दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे टेनिस के रिगार्डिंग एक पोस्ट मैच एनालिसिस की वीडियो वो लेके आऊँ जो इस बार पोस्ट मैच एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ साशा ज्वेरव अलेक्जेंडर ज्वेरव वर्सेस ब्रिटेन के प्लेयर कैमरन नूरी ATP रैंकिंग 86 है साशा की वर्सेस कैमरन नूरी की ATP रैंकिंग 19 है। बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने, सीडेड वो 19 हुए थे बट उनकी रैंकिंग 20 प्लस थी। अच्छा प्रदर्शन भी किया बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाए कि वो ज्वेरव को पांचवें सेट के टाई ब्रेकर में हरा सके, क्योंकि ये काफ़ी लंबा मैच गया और लास्ट में जो डिसाइड हुआ 10 पॉइंट टाई ब्रेकर से डिसाइड हुआ और उसमें बाजी मारी है साशा ने एक तरफ। फिलहाल दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग्स के रिगार्डिंग आपको मिल सके तुरंत के तुरंत। दोस्तों पहले सेट की बात की जाए तो पहले सेट में शानदार प्रदर्शन रहा ज्वेरव द्वारा, थोड़ा सा शानदार प्रदर्शन रहा, बाकी नूरी ने भी अच्छा किया बट ज्यादा अच्छा प्रदर्शन ज्वेरव का माना है क्योंकि सर्विस गेम उन्होंने ब्रेक की है। 1-1, 2-2 से लेकर 5-5 तक सर्विस गेम सारे दोनों प्लेयर्स होल्ड रखते रहे, उसके बाद साशा ने सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और 7-5 से पहला सेट अपने नाम किया। सेकंड सेट की बात की जाए तो सेकंड सेट में कैमरन नूरी का इस बार दबदबा रहा, क्या दबदबा रहा, शुरू में तो सर्विस गेम होल्ड रख ही रहे थे, इस बार साशा की सर्विस गेम उन्होंने ब्रेक की और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखना शुरू कर दिया और 6-3 से वो वाला सेट जीते। बड़े प्रदर्शन किया कैमरन नूरी ने, 1 सेट डाउन थे 1 सेट ऑल कर दिया, मैच में बराबर आ गए। थर्ड सेट की बात की जाए तो थर्ड सेट में भी बढ़िया प्रदर्शन किया, थर्ड सेट में साशा ने अच्छा प्रदर्शन किया, साशा ने सर्विस गेम इस बार कैमरन नूरी की ब्रेक की, नूरी ने भी ब्रेक की पर साशा ने ब्रेक बैक की थी सर्विस गेम तुरंत के तुरंत और जिसके कारण वो ये सेट जीते 6-3 से। चौथे सेट में बढ़िया प्रदर्शन रहा नूरी द्वारा, इस बार सर्विस गेम दोनों प्लेयर्स होल्ड रखे थे, लास्ट में जाके जब 5-4 सेट करवा रहे थे जीते थे सर्विस गेम होल्डर पे, उसके बाद सर्विस गेम करवा रहे थे साशा, तब उनकी सर्विस गेम ब्रेक की और 6-4 से ये वाला सेट जीता। पहला सेट ज्वेरव, सेकंड नूरी, थर्ड ज्वेरव, फोर्थ नूरी, लग रहा था पूरा मैच बराबर चल रहा, तो पांचवा देखा जाए एज ए पैटर्न ज्वेरव ही बनते और पैटर्न बिल्कुल सही बैठा। सर्विस गेम दोनों प्लेयर्स ने होल्ड रखी, 1-1, 2-2, 3-3 से लेकर 6-6 तक बराबर रहा, उसके बाद आ गया टाई ब्रेकर और टाई ब्रेकर में बढ़िया प्रदर्शन किया, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लेने दिए, बाकी सारी मिनी ब्रेक भी हासिल की और अपने पॉइंट्स भी हासिल किए और 10-3 से टाई ब्रेकर जीता, क्योंकि ग्रैंड स्लैम का लास्ट सेट में 10 पॉइंट टाई ब्रेकर होता है तो 10 पॉइंट का टाई ब्रेकर जीता और ये मैच भी जीता 5 सेट 3 लग में। बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच साशा का होने वाला है कार्लितोस अल्कराज के खिलाफ, क्योंकि कार्लितोस अल्कराज अपना मैच जीत गया, क्या लगता है कैसा प्रदर्शन देंगे इसके बारे में तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल दोस्तों में ये स्टैट्स की देखा जाओ तो साशा और नूरी के बीच में पहले भी मैचेस हो चुके हैं, पहला मैच शुरू में जीते थे 2014 में तब जीते थे कैमरन नूरी, उसके बाद से लगातार 5 मैच साशा जीते हैं, ये वाले मैच को मिला दिया जाए, काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं साशा और साशा चाहेंगे ऐसा दबदबा उनका कंटिन्यू रहे, दूसरे और कैमरन नूरी चाहेंगे मुझे भी करना पड़ेगा जैसे 2014 में उन्हें फर्स्ट टाइम हराया था। फिलहाल दोस्तों ये मैच के स्टैट्स को देखें तो एसी साशा ने 15 लिए, दूसरी और कैमरन नूरी अंडर 10 एसीज लिए। डबल फॉल देखा जाए, डबल फॉल में बढ़िया प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कम डबल फॉल्ट होने चाहिए, साशा के हुए डबल फॉल्ट 6 डबल फॉल्ट हुए बट 5 सेट भी थे तो इतना मान सकते हैं, दूसरी ओर कैमरन नूरी के भी थोड़े बहुत डबल फॉल्ट हुए। मेन आता है ब्रेक पॉइंट्स, 6 आउट ऑफ 10 6 बार ब्रेक पॉइंट सेव किए, 4 बार सेव नहीं कर पाए ज्वेरव, तो 4 बार सर्विस गेम कन्वर्ट हुई है ज्वेरव की जो कैमरन नूरी ने किया। दूसरी ओर देखा जाए 10 10 बार सेव किए कैमरन नूरी ने बट उनकी 7 बार सर्विस गेम ब्रेक हुई है, सर्विस गेम उनकी ज्यादा बार ब्रेक हुई है तो वो अगली बार चाहेंगे सर्विस गेम पे थोड़ा ज्यादा होल्ड रखा जाए। ये जो मैच है ये दोनों की तरफ से जाना जाएगा बट देखा जाए मेन टाई ब्रेकर से, क्योंकि 2-2 सेट अपीस थे सर्विस गेम वजह से तो, और जो लास्ट में डिसाइड हुआ वो टाई ब्रेकर ने डिसाइड किया तो वो मेन माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों क्या लगता है साशा कैसा प्रदर्शन करेंगे कार्लितोस अल्कराज के खिलाफ, ये आप कमेंट सेशन में बताएं और इन दोनों के बीच में जब बीड़ी तोड़ी तो कैसा प्रदर्शन रहने वाला है ये भी आप बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।